आप रूडी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कर्नल आरएसएन सिंह सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं कि राजीव प्रताप रूडी जी, नाविका जी, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ, मैं बस दर्शकों को यह टीज करना चाहता हूं कि अगला सवाल हमने जो दर्शकों से या लोगों से पूछा है ओपिनियन पोल में, जिसका जवाब अभी थोड़ी देर में आएगा, कि क्या यह बीजेपी का पॉलिटिकल ड्रामा था, इस पर क्या जवाब है थोड़ी देर में। क्योंकि बहुत से कांग्रेस के लीडर्स ने यह भी कहा है कि यह ड्रामा था, तो यह ड्रामा का सवाल भी हमने लोगों से पूछा है कि लोग इसे क्या समझते हैं, ड्रामा या सच में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा था। और राजीव प्रताप रूडी जी, मैं आपसे सवाल सीधा पूछना चाहती हूं, अगर 80% लोग समझ रहे हैं कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, तो 20% लोग ये भी समझ रहे हैं कि एसपीजी जिम्मेदार है, क्योंकि एसपीजी को पुख्ता तैयारी नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन अगर नहीं थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को निकलने क्यों दिया। तो एक तरफ तो है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस, दूसरी तरफ एसपीजी पर भी उंगलियां उठ रही हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आप क्या जवाब देंगे? बहुत सीधा सवाल आपने किया है और हम सिर्फ दो विषय पर अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे। एक, इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है और जो दो राज्यों में इस प्रकार की घटना हुई है जिनके कारण हुई है, एक तमिलनाडु में जो पूर्व प्रधानमंत्री मारे गए और एक पंजाब में हुआ, और ये फैक्ट है। और अगर सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानेंगे आज की तारीख में, तो ये दो राज्यों की पृष्ठभूमि है और वहां के आगमन पर चाहे वो राज्य सरकार है। दूसरा, ये तथ्य हम सबको मानना पड़ेगा कि एसपीजी पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया हुआ परिवार और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए देश के लोगों ने तय करके पार्लियामेंट में ये तय किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ और एनडीए का बनाया हुआ कानून नहीं, ये देश ने स्वीकार किया और सभी राज्यों ने स्वीकार किया है कि देश का प्रोटेक्शन करेंगे। और एसपीजी एक छोटा सा लीन फोर्स है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा बिंदु मैं ये सिर्फ रखना चाहूंगा कि जिम्मेवारी सुरक्षा की, जो लॉ एंड ऑर्डर है और सुरक्षा है, वो राज्य का विषय है और हम मान के चलते हैं कि फेडरल स्टेट है और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की जिम्मेवारी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन दे। और अगर ये चूक होता है तो ये फेडरल फॉर्म का एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है फेडरल सिस्टम पर, कि क्या एक देश के प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री, जो पंजाब का भी प्रधानमंत्री है, उसके आगमन पर इस प्रकार की चूक हो सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है और आपके रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये लापरवाही, साजिश और रिपोर्ट के इंतजार में सब लोग उसमें, वो तो हम देखेंगे, लेकिन सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा लैप्स हुआ और ये घटना ऐसी है जो देश के इतिहास में शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो। बहुत सही कहा आपने राजीव प्रताप रूडी जी। अजय वर्मा जी, सवाल आपके लिए भी है और सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं, क्योंकि सुशांत जी सवाल तो एक ही लाजमी सवाल है कि ये हुआ और जनता का परसेप्शन वो नहीं है जो चरणजीत सिंह चन्नी जी कह रहे हैं कि असी ते कुछ किता ही नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये सब एसपीजी की है, लास्ट मिनट में उन्होंने प्रोग्राम बदला, जबकि लेटर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस बता रही हैं कि हर इवेंचुअलिटी की डिस्कशन हुई थी पंजाब की सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ और एसपीजी के बीच में। जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बैठा और भी चैनलों पर बैठा, मैंने फिर बताया कि एसपीजी के रूल्स उठाकर पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये उसमें बड़े पूरे रूप से लिखा हुआ है, और सुरक्षा एजेंसियों से राय ली जा सकती है, उस राय को एसपीजी कितना मानती है। लेकिन अगर इस बात को 10 लोगों की टीम एक बार 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 झूठ बोल के बताए तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। आपने कहा कि हमने एक सर्वे कराया, हमने भी 42,600 लोगों का सर्वे कराया, उसमें ये चीज निपट के आई है कि 63% लोग मानते हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल इंडेक्टा है, जब ये देखने लगे कि प्रधानमंत्री। अजय जी, अजय जी, आपके सर्वे पर आप मुझे और नाविका जी को अलग से बुलाइएगा, हम बतौर गेस्ट आएंगे। आज आपको हमने गेस्ट बुलाया है तो आप हमारे सर्वे पे बात करेंगे और हमारे सर्वे में 80% लोग या तो पंजाब पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं या पंजाब सरकार को मान रहे हैं, आपको इस पे जवाब देना चाहिए। तो 63% लोग ये कह रहे हैं, ये 63%
आप घर में अपनी टेबल पर बैठ के कुछ भी लिख ले, मैं उस पर क्या जवाब दे सकती हूँ? मेरी जवाबदेही तो है नहीं, मेरी जवाबदेही नहीं है, और टाइम्स नाउ भारत या सुशांत की जवाबदेही नहीं हो सकती है। चलिए, आपको हमारे आंकड़ों पर अगर विश्वास नहीं है तो आइए दूसरे आंकड़े देख लेते हैं।